स्वागत है आज कोकोनट थिएटर ग्रुप मुंबई के पेज पर, और मैं कोकोनट का और उनके संचालकों का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि आज मैं अपने कुछ विचार, अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सकूं, रख सकूं। मैंने जो विषय लिया है वो विषय है देश में शौकिया रंगमंच की उपस्थिति, भूमिका और उपयोगिता, द रोल एंड इम्पॉर्टेंस फॉर सोसाइटी ऑफ ग्रुप थिएटर इन इंडिया। दरअसल हमारे देश में कभी भी यूरोप या अन्य समाजवादी देशों की तरह ये व्यवस्था नहीं रही कि हर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हों थिएटर के और थिएटर टीचर हों, स्कूलों में थिएटर टीचर रेगुलर हों और राज्य सरकारों की ओर से, स्टेट की ओर से रेपर्टरीज हों, रेपर्टरीज जहां अनुबंध पर कुछ एक्टर आएंगे और कुछ वर्ष काम करेंगे, जैसा हम लोग रंगमंडल भारद्वाज में किया करते थे अपने रंगगुरु कलारन जी के साथ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की अपनी एक रेपर्टरी है, बीएनए की अपनी एक रेपर्टरी है, और आजकल तो हम देखते हैं कि शौकिया रंगमंच में बहुत से थिएटर ग्रुप ऐसे हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर इतना मजबूत बना लिया है कि वो पार्ट टाइम रेपर्टरी भी चलाते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा उन शौकिया संस्थाओं की जो मूल रूप से सिर्फ रंगमंच में रुचि की वजह से ही रंगमंच करते हैं, ग्रुप चलाते हैं, उनको कैरियर के रूप में या रोजी रोटी के रूप में नहीं देखते वो। ऐसे लोगों की संख्या एक बहुत बड़ी है, रेलवे में है, बैंक्स में है, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स में है, जो लोग अपने शहरों में, अपने यूनिवर्सिटी में या अपने विभागों में ड्रामेटिक क्लब बनाए हुए हैं, शौकिया रंगमंच संस्थाएं बनाए हुए हैं, और वो लोग उन संस्थाओं की देखभाल करते हैं। और जो लोग थिएटर करना चाहते हैं, युवाओं का जो समूह है वो उसमें शामिल होता है। मैं स्वयं भी जबलपुर में ऐसे ही रॉबर्टसन साइंस कॉलेज से विवेचना में गया था और वहीं मुझे अपने सीनियर्स मिले थे। अब देखें तो इनका समाज में रोल क्या है। इनका समाज में रोल बहुत अच्छा है, इसलिए कि ये हमारे युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक केंद्र भी है, आदर्श केंद्र भी है और एक संरक्षण केंद्र भी है। क्योंकि देखिए, हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी में लगभग 62% युवा हैं 18 से 35 साल के। अब हर 18 से 35 के वर्ष के आयु के व्यक्ति के पास रोजगार हो ये जरूरी नहीं है। ज्यादातर लोग रोजगार की तलाश में हैं, छोटे मोटे रोजगार कर रहे हैं या एप्लीकेशन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि इन युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए अगर ये संस्थाएं ना हो तो वो छोटे छोटे कस्बों में, गुना, बीना, इटारसी, होशंगाबाद, सीधी, ऐसे छोटे रंग केंद्रों की बात कर रहा हूं मैं, जहां सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है और बड़ी संस्थाएं वहां देर से पहुंचती हैं, वहां युवाओं को मार्गदर्शन के लिए ये शौकिया संस्थाएं रोल देती हैं, बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। अगर आप दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, भोपाल की बात करें, पटना, रायपुर की बात करें, तो वहां पे भी जो राष्ट्रीय राजधानी जाना चाहता है और प्रांतीय राजधानी में आया है उसके लिए भी थिएटर ग्रुप एक ठिया ठौर होता है, जहां शाम को वो रविंद्र भवन में या अपने शहर के किसी थिएटर ऑडिटोरियम में या किसी कैंटीन में बैठकर अपने सीनियरों की बातें सुनता है, अपने सीनियरों की सलाहें लेता है, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए उनसे मार्गदर्शन लेता है। और हर संस्था में ऐसे लोग हैं, हिंदुस्तान के हर शहर, कस्बे के हर रंग संस्था में ऐसे लोग हैं जो अपने नए युवाओं के लिए आदर्श की भूमिका अदा करते हैं। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मैनेजमेंट संभालते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बाहर शो मिलने पर फंड और यात्रा व्यवस्था संभालते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ रिहर्सल की व्यवस्थाएं देखते हैं, कुछ लोग होते हैं एक दो जो डायरेक्शन में रुचि लेते हैं और नाटक के निर्देशक के साथ लगे रहते हैं, नोट शीट बनाना, रिहर्सल कराना, क्यू रिहर्सल कराना, रीडिंग कराना, और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अभिनय करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक पूरा समाज उसमें उपस्थित होता है। उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के होते हैं, मेडिकल कॉलेज के लड़के होते हैं, पत्रकारिता के स्टूडेंट होते हैं, संगीत के विद्यार्थी होते हैं, गायक, वादक, वृंद कलाकार होते हैं,
और अभिनय करने वाले होते हैं। उसमें इंजीनियर डॉक्टर भी होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं। हर शहर में एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, वो इन शौकिया रंगकर्मियों की वजह से बनी हुई है। आप छोटे से छोटे शहर में जाइए, वहां अगर साक्षरता अभियान का कार्यक्रम चलाना है तो डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार या कलेक्टर ऑफिस से स्थानीय रंग दलों को ढूंढा जाता है कि भाई वो युवा पढ़े लिखे कहाँ हैं, वो जो नाटक करते हैं उन लोग शायद ये संदेश ज्यादा अच्छे से पहुंचा देंगे नुक्कड़ नाटक के द्वारा। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड में और जाएं तो पाएंगे कि हमारे देश में शौकिया रंगमंच ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक ग्रुप है बेनका, बेंगलोर नगर कलाकार। ये ग्रुप स्वर्गीय आद्य रंगाचार्य और स्वर्गीय बीवी कारंत ने मिलकर बनाया था बेंगलोर में, और उस ग्रुप ने एक नाटक था आद्या जी का, उसके 3,500 से ऊपर शो कर दिए थे कन्नड़ में। ये ग्रुप थिएटर था जिसने गिरीश कन्नाड का है वदन कन्नड़ में वहां खेला। ये महाराष्ट्र के शौकिया रंगदल हैं जिन्होंने विजय तेंदुलकर, रत्नाकर मतकरी, सतीश आलेकर, महेश एलकुंचुवार, इनके नाटकों को एक नई ऊंचाई दी। नहीं तो महाराष्ट्र में प्रोफेशनल थिएटर में पहुंचने में टाइम लगता है। वो शुरू में शौकिया रंग कर्म ही उसको लोकप्रिय बनाता है, और जब वो लोकप्रियता की सीढ़ी चढ़ जाता है तो सेमी प्रोफेशनल और प्रोफेशनल बन जाता है। क्योंकि महाराष्ट्र में और बंगाल में इस तरह का पूरा सोशल नेटवर्क है। बंगाल में तो पाड़ा थिएटर भी है, पाड़ा मतलब मोहल्ला, तो मोहल्ला थिएटर है, मोहल्ला थिएटर क्लब्स है, छोटे छोटे गांव में भी मोहल्ला थिएटर क्लब्स हैं जहां शाम को युवा जाके किताबें पढ़ते हैं, गाने गाते हैं, डांस प्रैक्टिस करते हैं, कोई लोक कथा या स्थानीय कथा को लेकर नाटक रचने की कोशिश करते हैं, या कोई यात्रा का प्रसंग दोहराते हैं। तो हिंदी बेल्ट में भी ऐसे लोग मैं मध्य प्रदेश में जानता हूं, उत्तर प्रदेश में जानता हूं, जिन्होंने अपने जीवन के 35 से 40 वर्ष रंग संस्था को बनाने में, उसको पोषित करने में लगाए हैं। और उन संस्थाओं से युवा जो नए नए आए वो बाद के वर्षों में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, भारतेंदु नाट्य विद्यालय अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली, FTI पुणे, सतीश रे फिल्म इंस्टीट्यूट कोलकाता, सब जगह पहुंचे हैं। तो वो प्रोफेशनल थिएटर जिसे हम कहते हैं, उसका उद्गम शौकिया रंगकर्म है, और शौकिया रंगकर्म ज्यादा रिस्क ले सकता है। प्रोफेशनल रंगकर्म थोड़ा रिस्क लेने से बचता है क्योंकि उसको सेफ प्ले करने हैं जो ज्यादा चलें और रिपीट शो ज्यादा हों और दर्शक भी ज्यादा आए। हालांकि प्रोफेशनल थिएटर में कितने नाटकों के कितने शो रिपीट होते हैं मुझे नहीं मालूम, ज्यादातर तो पास वाले लोग होते हैं, कुछ आमंत्रित लोग होते हैं, कुछ करने वालों के परिचित लोग और परिवार के लोग होते हैं। टिकटेड ऑडियंस प्रोफेशनल थिएटर में भी कितनी है, अगर हम भारत रंग महोत्सव की बात छोड़ दें तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो या भारतेंदु अकादमी या मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, हमारे यहाँ दर्शक आते हैं देखने के लिए, और हम एक तरह से उनका स्वागत इसलिए भी करते हैं क्योंकि चूंकि सरकारी संस्थानों में सरकार पैसा देती है नाटक करने के लिए, तो वहां आप टिकट नहीं बेच सकते और टिकट वहां बेचना ठीक भी नहीं। लेकिन हिंदी थिएटर में दूसरी जगह आप देखिए, अगर आप सागर में, जबलपुर में कहीं नाटक करते हैं, 100 रुपए का आदमी पान गुटखा सिगरेट पी जाएगा, खा जाएगा, 20 रुपए का वो समोसा कचौरी खा जाएगा, 15 रुपए का वो पान खा जाएगा, लेकिन साहब 50 रुपए का नाटक का टिकट लेना उसे भारी लगता है। उसे पास देने पर भी वो बोलता है कि समय मिला तो आऊंगा, और आएगा भी तो कम वक्त, कितनी देर बैठेगा, पूरा देखेगा कि नहीं, कितना एहसान हम पर करेगा, हम रंगकर्मियों पर, ये भी एक सोचने की बात है। लेकिन शौकिया रंगमंच की वजह से एक सामाजिक योगदान कितने बड़े स्तर पर होता है, आप सोचिए। हमारे युवाओं में अधिकतर लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग माथा भटकने से क्राइम वर्ल्ड की ओर मुड़ जाते हैं या उस ओर भटकने की संभावना बढ़ जाती है उनकी। अब शाम को 5:30 बजे अगर कोई घर से निकलता है रिहर्सल के लिए और 6 बजे अपनी जगह पहुंचता है और 6 से 8-9 बजे तक रिहर्सल करके 9:30-10 बजे तक घर आता है, तो याद रखिए ये 5:30 से 10 बजे तक वो कोई असामाजिक कार्य नहीं करता, वो कोई ऐसा काम नहीं करता जो उसे नहीं करना चाहिए, बल्कि वो कविता पढ़ता है, साहित्य पढ़ता है, पेंटिंग देखता है, मनोविज्ञान, दर्शन, इतिहास,
साहित्य कहानियों पर चर्चा करता है और अपने नाटक के रोल पर काम करता है, रचनाकार के बारे में जानता है, डायरी लिखता है, वो कितना क्रिएटिव काम करता है ये अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग हैं जो बहुत चुपचाप और विनम्रता से सबके लिए चाय की व्यवस्था करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कमाते हैं इसलिए वो थोड़ा संडे के दिन रिहर्सल में हाँ चलो आज समोसा मेरी तरफ से सबको, तो वही एक पार्टी हो गई कि अरे आज तो समोसा आ गया। हम लोगों ने तो ऐसे ही रंगकर्म किया है, संडे के दिन सुबह से रिहर्सल होती थी शाम को 6 बजे तक, ग्रुप सॉन्ग ग्रुप डांस इनकी इनका परफेक्शन, और 2 बार चाय आती थी कट चाय आधी आधी चाय, और 2 समोसे मिलते थे 2 बार में एक एक बार, तो 2 समोसे और 2 कट चाय में सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक का समय हम लोग निकाल देते थे रिहर्सल करते, और 6 बजे मुख्य कलाकार सब आते थे क्योंकि वो नौकरी से आएंगे, कॉलेज से पढ़ा के आएंगे या अपनी दुकान वगैरह व्यवसाय से आएंगे, फिर उनके लिए स्पेस साफ करना, झाड़ू लगाना, बाहर लाइन से जूते चप्पल जमाना, और चौकीदार को सबके लिए चाय के लिए बोलने जाना, रिहर्सल खत्म होने के बाद कमरे में दरी बिछाकर वापस सामान वैसे ही करके ताला लगाकर चौकीदार को चाबी देकर साइकिल चलाते हुए 16 से 18 किलोमीटर दूर अपने घर चले जाना, खुले हुए दरवाजे को धीरे से उड़काकर घुसना और टेबल पर रखी हुई खाने की थाली को खोलकर खाकर चुपचाप सो जाना। हमारी पीढ़ी के लोगों ने ऐसे ही ग्रुप थिएटर किया है और आज भी ग्रुप थिएटर जो करते हैं वो जानते हैं कि ग्रुप थिएटर करने में समस्याएं कितनी हैं। लोग मिलते हैं तो वो भी कई बार, आजकल ऐसा हो गया है कि लोग कई बार बोलते हैं कि आपको नाटक करना है और हमें अभिनय करना है, इसलिए आपका भी स्वार्थ का संबंध है, मेरा भी स्वार्थ का संबंध। अगर किसी को ज्यादा आप डांटेंगे या काम सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो बोल देता है आप अपना काम करिए, आप मेरे पिताजी बनने की कोशिश मत करिए। कई बार डायरेक्टर को ही 2 नाटकों में मुख्य भूमिका निभाने के बाद एक्टर समझाने लगता है कि सर मैं इस रोल को सोचता हूं कि ऐसे करूं, मैं ग्रो करूं। पूछना अच्छी बात है, संदेह करना भी अच्छी बात है, निर्णय लेना भी अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई वास्तविक कारण होना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि आप दूसरों के बीच में अपने को सीनियर दिखाने के लिए, सीनियरिटी झाड़ने के लिए ऐसा व्यवहार करें। फिर इससे जो नया आया है उसके दिमाग में भी क्या जाएगा कि सीनियर लोग ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसे ही कर सकते हैं, फिर कोई बिना बताए रिहर्सल में नहीं आएगा। लड़कियों की समस्या है, लड़कियां थिएटर में कम है, काफी कम है, किसी किसी शहर किसी किसी ग्रुप में हो सकता है कि ये समस्या ना हो, लेकिन बहुसंख्यक कस्बा हो, गांव हो, शहर हो, ज्यादातर थिएटर ग्रुप में आपको 2 या 3 मुश्किल से लड़कियां मिलती हैं, वो भी एक निश्चित समय के लिए जब तक पढ़ रही हैं, जब तक उनका विवाह नहीं हुआ है। जिनका विवाह हो गया है उनके साथ भी जब तक उनके परिवार साथ दे रहा है, जब तक उनके पति साथ दे रहे हैं, बच्चे साथ दे रहे हैं, तभी तक वो कर सकते हैं, नहीं तो उनके पास अपना दूसरा काम भी है। ऐसे में शौकिया रंगकर्म को करना, शौकिया मतलब इसलिए नहीं कि हम बोलें कि हमारा काम भी शौकिया है, काम तो प्रोफेशनल के बराबर का है, लेकिन ये हमारा शौक है, रोजी रोटी के लिए हम कुछ दूसरा काम करते हैं, और इस तरह से काम करके हमारे देश में शौकिया रंगमंच ने क्या काम नहीं किया। आप मुझे बताइए, बादल सरकार का नाटक जुलूस 70-80 के दशक में हिंदी में किस शहर के किस कस्बे में नहीं हुआ, भोमा किस में नहीं हुआ, विजय तेंदुलकर के नाटक कमला हो, गिद्ध हो, घाशीराम कोतवाल हो, खामोश अदालत जारी हो, हिंदुस्तान में किस शहर के किस ग्रुप ने नहीं किया। अंधायोग किया लोगों ने, अपने अपने लेवल पर किया, आषाढ़ का एक दिन शौकिया रंगमंच ने किया, खूब किया। पहले मानते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने किया, अलकाजी साहब ने किया, सत्यदेव दुबे जी ने किया, लेकिन अभी अगर आप 20 साल का इतिहास निकालेंगे तो देश के शौकिया रंगकर्मी हैं जो मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, बादल सरकार के नाटकों को जिंदा रखे हुए हैं। गिरीश कर्नाड के नाटक भी लोग शौकिया रंगमंच में कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ शौकिया रंगमंच का स्तर काफी ऊंचा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है फंड। अगर एक बड़ा कल्पनाशील निर्देशक शौकिया रंगकर्म में है और वो चाहता है कि वो अपने नाटक में 20-25 हजार रुपए का सेट लगाए, 50 हजार रुपए नाटक की कॉस्ट्यूम पे खर्च करे और हॉल की बुकिंग का 20-30 हजार रुपए अलग, 1 लाख रुपए उसको सिर्फ इसलिए जुटाना है कि नाटक कैसे मंच पर पहुंचे, इसमें पूर्वाभ्यास स्थान का किराया, चाय नाश्ते का किराया और अन्य खर्चे नहीं है, और ये सब हो भी जाए
तो निर्देशक से लेके कलाकार तक को 5 पैसे भी इससे मिलने नहीं है, ना मिल सकते हैं। कभी मिलते भी हैं तो संस्था के पास जाते हैं और संस्था में अध्यक्ष और सेक्रेटरी ही जानते हैं कि वो कोषाध्यक्ष के साथ उसको कैसे मेंटेन करना है, और वो करते हैं अपने अपने तरीके से। अब इन दिनों हमारे यहाँ शौकिया रंगमंच में लोगों के अंदर लिखने पढ़ने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति घातक स्तर तक कम हो गई है। मैं कहूंगा जैसे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो यू कांट ब्रीद प्रॉपरली, वैसे ही एमेच्योर थिएटर अभी अपने बौद्धिकता के अभाव से जूझ रहा है। बौद्धिकता के अभाव का संघर्ष बहुत जबरदस्त है। आप मुझे बताइए, आज शौकिया रंगमंच में लोग क्या कार्ल यूंग या फ्रायड को पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद की कामायनी का पाठ या राम की शक्ति पूजा या लेरमेंटोव की कविता नौका पाल उसका पाठ करते हैं? क्या आज के युवा रंगकर्मी अपने प्रदेश के लोक नाट्यों के बारे में उतने ही सजग हैं क्या जितना वो एंटन चेखव और दूसरे गोर्की और आर्थर मिलर और ओजीन और नील आइनेस्को की बात करते हैं, जितना क्या वो उतना प्रेमचंद को पढ़े हैं, क्या जैनेन्द्र को पढ़े हैं, क्या यशपाल को पढ़े हैं, क्या आंचलिकता के महान कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु को उन्होंने पढ़ा है, क्या मंटो नामा पढ़ा है, क्या रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी पढ़ा है? ये सब जो अभाव होता है साहित्य कविता पेंटिंग बौद्धिकता इतिहास की जानकारी का अभाव समाज में, आज अभिनेता कई बार ये भी नहीं जानता कि वो जो 5 प्रकार की दालें हैं उनके अलग अलग भाव क्या हैं। मसूर का क्या है, धुली मूंग का क्या है, उड़द का क्या है, चने की दाल का क्या है और तुअर की दाल का क्या है, चावल कितने प्रकार के हैं, उनकी कीमत का रेंज क्या है, सब्जियों का भाव क्या है। दरअसल वो बिना समाज शास्त्र को समझे, बिना दुनिया को जाने, वो रंगमंच इसलिए कर रहा है आज क्योंकि रंगमंच के द्वारा टेलीविजन, टेलीविजन के द्वारा सिनेमा और फिर नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज की रास्ता खुलने का एक अपार संभावना वो देख रहा है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कोई रंगमंच में काम करने के बाद सिनेमा टेलीविजन और दूसरे के काम करता है तो उसे करना चाहिए, क्योंकि अगर रंगमंच में उसे इतने पैसे नहीं मिलते कि वो अपने परिवार की को देख सके, अपनी बहन की शादी कर सके, अपने भाई को पढ़ा सके, अपने बेटे को अच्छे स्कूल कॉलेज में एजुकेशन दे सके, बीवी को साड़ी दे सके, तो अगर अपना खाना पीना भी वो नहीं निकाल पा रहा है और उसके पास नौकरी भी नहीं है और परिवार का कोई आर्थिक आधार भी नहीं है, तो ट्रेनिंग लेने के बाद या ग्रुप थिएटर करने के बाद कितने साल वो पड़ा रहेगा निठल्ला? उसे पैसे तो कमाने पड़ेंगे, उसे बिजली का बिल तो चुकाना पड़ेगा, गैस का सिलेंडर तो खाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना है तो मेडिकल का पैसा भी चाहिए, पेट्रोल का पैसा भी चाहिए। तो वो चला जाता है सिनेमा में, वो चला जाता है नेटफ्लिक्स में। तो जो लोग ये कहते हैं कि अरे देखो थिएटर करके थिएटर छोड़ के चला गया गद्दार है, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनने बीएससी करके बैंक में नौकरी क्यों की, बीकॉम पास करके रेलवे में नौकरी क्यों की, क्योंकि बीकॉम की डिग्री तो कॉमर्स की है और बीएससी की डिग्री साइंस की है, तो फिर अपने एजुकेशन के हिसाब से वो क्या काम कर रहे हैं। और जो लोग समाज के लिए रंगमंच जैसा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं उसके बाद आर्थिक सुरक्षा कहीं तलाश रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? क्या नसरुद्दीन शाह सिनेमा और टेलीविजन नहीं करते? वो थिएटर भी करते हैं। क्या अनुपम खेर नहीं करते? वो भी करते हैं। क्या पीयूष मिश्रा थिएटर नहीं करते? वो भी करते हैं। कौन नहीं करता? जिसको मौका मिलता है वो वापस थिएटर में आना ही चाहता है, क्योंकि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जहां आप अपने साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा दिखते हैं, टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जहां आप अपने साइज से बहुत छोटे दिखते हैं, कुछ इंचेस या सेंटीमीटर के दिखते हैं। रंगमंच ही एक ऐसा स्थान है जहां एक्टर अपने 3D इफेक्ट, अपनी लंबाई चौड़ाई और गहराई के साथ वास्तविक कद और आवाज में उपस्थित होता है। रंगमंच ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां रंगमंच से हम सीधे ऑडियंस को बात कर सकते हैं, ऐसा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। सिनेमा में और टेलीविजन में रिकॉर्डिंग होने के बाद हफ्तों महीनों के बाद वो काम रिलीज होता है और तब फ्राइडे को TRP रेट या सेलिंग रेट से पता चलता है कि उसको आपको स्वीकार किया गया है कि नहीं। लेकिन रंगमंच में तो तुरंत तो वहीं के वहीं पता चल जाता है कि आज ठीक हो रहा है कि नहीं, गड़बड़ हो गया क्या, संभालना कैसे है।
सब कुछ, क्योंकि रंगमंच मैन टू मैन कॉन्टेक्ट का माध्यम है, रंगमंच व्यक्ति से व्यक्ति संवाद करने का माध्यम है। इसलिए आप जितना भी सिनेमा देख लें, आप जितना भी टेलीविजन देख लें, जितना भी आप वेब सीरीज देख लें, एक समय आएगा जब आपको बाहर निकलने की इच्छा होगी, हवा में खुली सांस लेने की इच्छा होगी और किसी व्यक्ति से बात करने की इच्छा होगी। वहां पर अगर हम देखें तो हमारे समाज में शौकिया रंगकन एक बहुत बड़े युवा वर्ग और अधेड़ लोग भी, जो लोग वृद्ध हो रहे हैं वो लोग भी, मतलब आप इसमें 18 साल से 70 साल तक के आदमियों को देख सकते हैं। 65 साल का आदमी ग्रुप चला रहा है, 50 साल का आदमी उसकी मदद कर रहा है, 30 साल का आदमी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है और 18 से लेकर 28 का जो ग्रुप है वो नाटक में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, रोल कर रहा है। तो शौकिया रंगमंच एक पूरा समाज है, शौकिया रंगमंच हमारे देश की एक धड़कती हुई धड़कन है, एक दिल की धड़कन है, एक स्पंदन है, एक रक्त प्रवाह है। उस रक्त प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता और हमारे देश में शौकिया रंगमंच से ही बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग आए हैं, आते रहेंगे और शौकिया रंगमंच की महत्ता हमेशा हर समय हमारे देश में बनी रहेगी। धन्यवाद मित्रों, मुझे आप लोगों ने अवसर दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हैव अ ग्रेट डे। जय रंगमंच। शौकिया रंगमंच ही प्रोफेशनल रंगमंच के मूल का उद्गम है। जय रंगमंच। नमस्कार।